पहले आप लोग देख लो आराम से, फिर मैं कुछ बोलूंगा। अपनी भड़ास निकाल लो। हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। सर बिना बफरिंग के पहली बार देख रहे। आज बफरिंग नहीं होगी, फॉर अ चेंज। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करूं? मेरा टॉपिक ये है कि लाइक हम लाइफ में इंडिया में खासकर 2-3 बार फेल करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बुरी तरह से, लेकिन कितनी बार हमने देखा है बाहर में, जैक मा हो गए या जुकरबर्ग हो गए, 8-10 बार फेल हो रहे। तो वो क्या जैसे मैं भी लाइफ में सीए कर रही हूँ, 3-4 बार तो मिल चुकी है, वो लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव हो कि हम अगर 10-12 बार भी फेल हो भी रहे हैं तो वो हो माइंड में सेट कि हम अगले 40 साल तक उसी काम को हम लगन से कर सकते हैं। मतलब कि सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग में ऐसा क्या है जो मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? कि वो कैसे सोचते हैं, और मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अपनी तारीफ सुनने में किसे नहीं मजा आता है, क्योंकि सर आप सक्सेसफुल हो। माय टॉपिक इज वेरी सिमिलर टू व्हाट शी सेड। टू ऑफ माय फ्रेंड्स आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड एंड दे हैव टू टेक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड विजिट अ साइकियाट्रिस्ट। सो इट्स लाइक व्हेन पीपल स्टार्ट टू फेल, दे आल्सो शेयर्ड सिमिलर स्टोरी टू व्हाट शी सेड। They were in CA and then they failed their exams and they felt depressed and they couldn't function properly. Their energies were low. So I want you to talk about depression and like natural ways to come out of it and how, why it happens and like how to avoid it. ये भी बड़ा interesting point है और आपसे related है. What he's saying is कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम successful बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए life में, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं. वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं. मतलब उनका attitude ऐसा होता है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं. डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं. ऐसा नहीं है वो नहीं जाते हैं. ऐसा नहीं है फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है कि किसी चीज के बारे में प्लान किया, सोचा कई सालों तक कि मुझे ये करना है, फिर बुरी तरह से उसमें फेल हो गए. बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है. लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं. डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग. And success is the result of right thinking. It is all about thinking. So we need to go deeply into this particular topic, as in, what is right thinking? How successful people think? ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है. ना इस टॉपिक के बारे में किसी स्कूल में बात करी जाती है, ना कॉलेज में बात करी जाती है, ना हमारे घर पे बात करी जाती है. बात क्या करी जाती है? पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, फिर ये करो वो करो वो करो. मतलब इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो, हार्ड वर्क करो 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 करो, पढ़ो 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 पढ़ो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो. तो ये क्या है अगर इसको देखा जाए तो? खच्चर. ये वर्ड मैं अपने हर सेशन में बोलने वाला हूँ ताकि लोगों के दिमाग में घुसे कि मैं कह क्या रहा हूं, लोगों को समझ में आए. रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं. ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हो. क्रिएटिव का मतलब क्या है? कि एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बदलती चली जा रही है टाइम के साथ साथ. जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके थ्रू जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में, उसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता. जो भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, मतलब मैं वैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उसके लिए यूज करना चाहता था, लेकिन अगर थोड़ा पोलाइटली बोलूं तो वो सब बेकार है. कुछ इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीड करी जा रही है बट उसका रियलिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 20 साल पुरानी बुक्स हैं वही आप पढ़ रहे हो, और 20 साल में टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई है? सर 3 महीने में, और 3 मिनट में आ रहा है. कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, पुराना ऑब्सोलीट हो रहा है. तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल यू आर क्रिएटिव इनफ. व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिविटी?
कि जो आपने पढ़ा है अगर उसी तरह से आप उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना चाहते हो जिस तरह से आपको लगता है कि वो जो मैंने पढ़ा है उसके बेस में निकाल सकता हूं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मैकेनिकल हो। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हो और आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो तो नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि प्रॉब्लम्स बदल चुकी है। जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बना था वो प्रॉब्लम्स अब है ही नहीं, अब कुछ और ही प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसी थिंकिंग चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हो अपना जो भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको तोड़ देने के लिए। ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं है। देयर इज नो पैटर्न। आपको ऐसा अपना माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन तीनों का बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा लहंगा चोली बेच रहा है तो वो सालों से वही बेचता रहेगा और वही डिजाइन करता रहेगा। अगर हम लोग कुछ लीक से हटके सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रणवीर सिंह ने ड्रेस पहन के रोब सा गाउन टाइप पहनकर आ गया तो लोगों ने कमेंट कर दिया दीपिका पादुकोण की ड्रेस है। वो लोग बाकी सोशल कैसे एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी की, जो अगर नई चीज आ रही हो कैसे एक्सेप्ट करी जाएगी? मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा, मैं क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा। एक है क्रिएटिविटी, वो क्या है कि एक पेंटर है जो पैशनेट है अबाउट पेंटिंग और वो क्या कर रहा है, अपने अंदर कुछ अजीब से थॉट चल रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझा। इफ यू आर अ फैशन डिजाइनर तो सबसे पहले आपने ये समझा कि ये जो मार्केट है वो है क्या, इंडस्ट्री है वो है क्या। अगर वो ना समझ करके हम अपनी इमेजिनेशन से हम कुछ भी अजीब सा कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट क्रिएटिव थिंकिंग। इसको ध्यान से समझ लेना कि मतलब कि आप कहते हो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, लोग इसका क्या मतलब निकाल लेते हैं कि कुछ भी अजीब सा करो और बोल दो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूं और मैंने एक चमगादड़ की ड्रेस बना दी और मैं कह रही हूं कि आज के बाद शादियों में जो ब्राइड्स हैं वो यही ड्रेस पहनेगी, काली वाली चमगादड़ की, लेकिन कोई इसको पसंद ही नहीं कर रहा है। और वो ब्राइड जिसके लिए मैं इतना अच्छा सोच रही हूँ कि वो कितनी अच्छी लगेगी, वो भी मेरे अगेंस्ट हो गई है, तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसमें बुराई क्या है? देखो मैं कितनी इंस्पायर्ड हूँ, मैं रात को बैठी हुई थी और मेरी नज़र पड़ी एक चमगादड़ के ऊपर, लाइट जली, ये मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आई और मैंने इतनी कमाल की चीज़ बनाई, लेकिन इसको कोई समझता ही नहीं है। तो ये अगर आप बना रहे हो अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए, तब तो ठीक है। बट व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, टू एन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ नया करना है, तो नजर अलग चाहिए और दुनिया से नजर अलग चाहिए। सिर्फ नजर का खेल है थिंकिंग। मींस क्या? नजर ही तो है, किसी की नजर कहीं पर है, किसी की नजर कहीं पर है, जिसकी नजर जहां पर है उससे रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स आते हैं, उससे रिलेटेड एक्शंस होते हैं। किसी की नजर कहीं और है तो उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स ही ऐसे हैं, वो नजर ही ऐसी गलत जगह पर है कि उससे रिलेटेड गलत ही थॉट्स आने हैं और बंदा नीचे ही धसेगा। अगर नजर सही जगह पर है तो थॉट्स भी सही आने हैं और वो ऊपर उठेगा ही उठेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। समझ गए? तो अब देखो क्या होता है कि पहिए भी बन चुके थे हजारों साल पहले और ये बैग्स भी थे। एक बंदे ने दिमाग लगाया कि लोग हैं वो भारी भारी बैग्स उठा उठा करके जा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा है, तो गाड़ी के जो पहिए थे उसको थोड़ा सा छोटा किया और बैग के नीचे लगा दिया और वो बंदा करोड़पति बन गया। ऐसे समझना होता है चीजों को, लोग ऐसे नहीं समझते हैं। लोग क्या करेंगे, मतलब एक बैग है तो उसको उठा उठा करके ढोए जा रहे हैं, ये नहीं दिमाग लगाएंगे कि क्या कोई और सोल्यूशन भी है। सोचो ना, हो सकता है उस बंदे को खुद को ये प्रॉब्लम आई हो कि मैं ये भारी बैग उठा करके लेके जा रहा हूं, तो उसने दिमाग लगाया हो कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उसका दिमाग चल गया। और लोग क्या कर रहे थे, वैसा कुछ सोच ही नहीं रहे थे, सब ऐसे ही चलते हैं बैग उठा करके, ऐसे ही चलना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है,
तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा, कितना भी भारी हो मुझे चलते रहना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लगे रहना है खच्चरों की तरह, चाहे इस बैग को ऐसे पकड़ूं चाहे सर पे रखूं, लेकिन मैं तो चलता ही रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही थी, चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी सोच किसकी है? अनसक्सेसफुल लोग, थके हुए लोग। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी सोच क्या है? वो बोलते हैं ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज टू बी अ सोल्यूशन। बस उनकी सोच इतनी सी अलग है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे भारी उठा करके चलना, इसका सोल्यूशन क्या है पता नहीं। पहला तो थोड़ी यही आएगा ना माइंड में, पता नहीं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो वहीं पे रुक जाएंगे, पता नहीं, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, पता होता तो इसका सोल्यूशन निकल गया होता। लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं वो क्या करेंगे? मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता लगाना है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग का एसेंस क्या है अगर फोकस नहीं है तो? फोकस कहां पर? प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। हम क्या कर रहे होते हैं? प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। दो लोग हैं, एक ही कॉलेज में गए हैं, मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं, टॉप कॉलेज नहीं है। ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, भरे पड़े हैं इंडिया में। चार साल तक लग करके दोनों ने पढ़ाई करी, पढ़ाई में ऑलमोस्ट एक जैसे थे, ना टॉपर्स थे ना बिल्कुल ही गए गुजरे थे, मीडियोकर थे। दोनों ने जॉब के लिए ट्राई किया, एक जगह किया, दो जगह किया, दस जगह किया और जॉब मिली ही नहीं। ये क्या है? सक्सेस है फेलियर है? फेलियर है। चार साल कुछ नहीं किया, चार साल वेस्ट हो गए, पैसा भी वेस्ट हो गया, हर तरफ से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो क्या हुआ? एक बंदा डिप्रेशन में चला गया। उसने कहा मैं तो फेल हो गया लाइफ में, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और उसने क्या कहा? अब मुझे जो भी जॉब मिलेगी, जैसी मिलेगी मैं कर लूँगा, ना से तो हाँ है। तो क्या हो रहा है? वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वहाँ से ना तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, काम भी अपनी पसंद का नहीं कर रहा है और घर वाले भी अच्छे तरीके से उसको सुना रहे हैं बेस्ड अपॉन हिज पास फेलियर्स। उसको खुद को भी बार बार अपने पास फेलियर्स याद आ रहे हैं, तो नीचे धसता ही चला जा रहा है। इसको बोलते हैं रॉन्ग थिंकिंग। ऐसे ही होता है ना? ये मैं एग्जांपल यहाँ पे इंजीनियरिंग का दे रहा हूँ, यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप को भी रिलेट कर सकते हो कि रिलेशनशिप में घुसे, सबके अगेंस्ट जा करके और फिर ये हुआ और सब कुछ ही खराब होता चला जा रहा है, रिलेशनशिप डिवोर्स तक की नौबत आ गई, तो आदमी कैसे डिप्रेशन में जाता है, आदमी औरत व्हाटएवर। तो अब दूसरा जो बंदा है जो लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी सोच सक्सेसफुल लोगों के जैसी है, और सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है कि अगर कुछ भी मैंने किया है तो कुछ ना कुछ वहां से सीखा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने लाइफ में किया हो और उसका आपको कोई बेनिफिट ना हुआ हो, इम्पॉसिबल। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। होता क्या है, हम पहले ही अपने माइंड में सोच करके बैठे होते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं जिससे कि ये होगा, वो हो गया तो मैं खुश हूं, नहीं हुआ तो मैं दुखी हूं। इसको नैरो माइंडेड अप्रोच बोलते हैं, इसको मैकेनिकल थिंकिंग बोलते हैं। समझ गए ना? हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि गोल सेटिंग नहीं करती है, गोल सेट करो, बट अगर वो गोल अचीव ना हो तो अपने दिमाग को खुला रखो। दैट इज कॉल्ड ओपन माइंडेड थिंकिंग। ये नहीं कि एक चीज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर कोई कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो और वो कील नहीं ठुक रही है, तो ये नहीं कि वहां पर लगे रहो, नहीं मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा। अब समझो, शायद आप कोई गलती कर रहे हो, शायद वो कील आप अगर हल्का सा साइड में करो तो वहां पर लोहा नहीं है, जैसे दीवार के अंदर होता है ना एक बीम होता है, तो वहां पर लोहा है तो कील वहां पर अंदर जा नहीं रही है। तो क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहेंगे? थोड़ा साइड करके देखता हूं ना, समझ गए, वहां पर कोई बीम नहीं है, ठोका कील अंदर। तो क्रिएटिव थिंकिंग समझो क्या होता है। अगर मैं उस बंदे की जगह हूंगा मैं कैसे सोचूंगा, मैं अगर अपने आप को उस जगह पर रखूं तो हाँ मजा आ गया यार, मतलब चार साल यहां पर मैंने लगाए और मुझे जॉब नहीं मिली, तो मजा आ गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसका मतलब जॉब का तो ऑप्शन ही मेरे लिए बंद हो गया। मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि मैं अब चाहूं भी तो मैं नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ढंग की नौकरी मिलेगी ही नहीं और जो नौकरी मिलेगी वो करने लायक ही नहीं है। तो चलो कुछ सोचता हूं, देखता हूं मैंने क्या सीखा है। चार साल तक हॉस्टल में मैं रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूं, अब मुझे क्या समझ आया वहां पर रह करके कि जो हॉस्टल्स हैं वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी, कि मेरे हॉस्टल के अंदर कोई भी जो मेरे को डे टू डे यूज के लिए चीजें चाहिए होती थी, दारू सुट्टा और गांजा के अलावा,
तो ऐसी जो चीज़ें मेरे को चाहिए होती थी डे टू डे यूज़ के लिए, चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, साबुन हो, ये हो वो हो, क्योंकि हॉस्टल में जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनकी जो नीड्स हैं वो बहुत अलग होती हैं उन लोगों से जो नॉर्मली घर में रहते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे हॉस्टल में नहीं थी, मेरे आसपास में पूरा का पूरा जो कैंपस एरिया है वहाँ पर कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जहाँ पर मैं जाऊँ और एक ही शॉप से मेरे को सब कुछ वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। मतलब कि चार अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ता है, एक दुकान यहाँ है, एक दुकान एक किलोमीटर दूर है, एक दो किलोमीटर दूर है, एक तीन किलोमीटर दूर है, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं हॉस्टल्स में उनके पास कन्वेंस भी नहीं होता है, तो वो सब उठा उठा करके सामान लाना पड़ता है। मतलब कितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है, मैंने फेस करी है ये प्रॉब्लम्स, आप समझ गए ना? इसको ध्यान से समझे ना। अब मैं जैसे जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मैं अपना भी रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। एज अ मॉडल जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैं फोटोग्राफर बना। एक प्रॉब्लम थी मेजर कि 90% से ज़्यादा जो मॉडलिंग एजेंसी थी वो सब फ्रॉड थी, तो अंदर से आया था कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। तो जैसे ही अपनी नज़र को इस प्रॉब्लम पे आप ले गए, जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया है, जिसको आपने फील किया है, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आने लग गए। ये थॉट्स ही तो आइडियाज हैं और क्या है। लोग आइडियाज का मतलब ये समझते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा सोचना पड़ेगा, इंटरनेट पे बैठ करके देखते रहते हैं बिजनेस आइडियाज क्या है, उससे क्या होगा? आपके एक्सपीरियंस से वो कनेक्टेड है? आपके अंदर से आ रहा है? अंदर से आने का मतलब क्या है? कि आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया हो और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो अगर अपने हॉस्टल का आप सोल्यूशन निकालते हो, आप कहते हो मेरे पास में लिमिटेड पैसा है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे कैंपस को ये ऑप्शन दे दूँ, इतने मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा हॉस्टल था, जहाँ से मैं निकला हूँ, जहाँ पर मैं सीनियर था, जहाँ पर मैंने बच्चों की रैगिंग करी है, जहाँ पर मुझे ऑलरेडी सब जानते हैं, गेट कीपर से लेकर के ये लोग वो लोग सब जानते हैं, अगर उस हॉस्टल में जो भी कुछ चाहिए सुई से लेकर के ऊपर तक, जो भी गलत चीज़ों को हटा दें वहाँ से, तो जो भी कुछ चाहिए वो सब मेरी एक वेबसाइट बनेगी, वहाँ पर है, और 2 घंटे के अंदर अंदर आपको डिलीवरी मिलेगी, विद इन 2 आवर्स। आपको कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, 2 घंटे में मिलेगी, और जो मार्केट में आप जहाँ से भी ले रहे हो उससे थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा आपको। आसपास में किसी दुकान वाले से भी टाइप कर सकते हो, आसपास में जो दुकानें हैं उनसे भी टाइप कर सकते हो। किसको आता हुआ पैसा बुरा लगता है, समझे? उनको जा करके आपने बोला कि मैं बल्क में लूँगा आपसे, मेरे को रेट बढ़िया दो, आपने पहले ही सारे रेट पता कर लिए, होलसेल मार्केट में जाके ये रेट होते हैं। अब जा करके आसपास के दुकानदारों से आप बात कर रहे हो और उनको भी थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हो, तो आपको दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पास में ही किसी भी दुकान से उठाया माल ला करके वहाँ पे उसको दिया, पैसा आपके हाथ में, आपने जा करके उस दुकान वाले को दिया, बाकी का जो मार्जिन है वो डाला अपनी जेब में। खाली बैठने से तो कुछ भी है, ये मत सोचो यहाँ पर आप जा करके फंस जाओगे, फिर क्या होगा, आप इसी लेवल पे अटक जाओगे। जैसे होता है ना, किसी ने किराने की दुकान खोल दी, वो वहीं पर अटका हुआ है और सुबह से रात तक बस यही कर रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है लाइफ में। ऐसा नहीं सोचना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सक्सेसफुल लोगों की सोच, कि वो कैसे सोचते हैं। ये नहीं कि मेरे पास में 20-25 हज़ार रुपये तो आ गया, बहुत है ना। What do we mean by that? That means you are becoming stagnant. यहाँ पे कमाई की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ क्रिएट करते रहने की बात है। मुझे किक इसमें नहीं मिलती है कि मैं ये करता हूँ, ये आइडियाज इंप्लीमेंट करता हूँ, डेली पता नहीं कितने नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट होते हैं हमारे बिजनेस में, यहाँ पे वहाँ पे, तो मुझे किक इसमें नहीं मिलती है कि ये करके ये होने वाला है, ये पैसा आया इस आइडिया की वजह से, ये पैसा गया, ये डूब गया, ये आ गया, ऐसे हर तरह के सही सही डिसीजन भी होते हैं, गलत भी होते हैं, मुझे इसमें किक नहीं मिलती है। मुझे किक इसमें मिलती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं जिंदा लाश नहीं हूँ, मैं सिर्फ बैठ करके यहाँ पे नोट नहीं गिन रहा हूँ, बैठ करके खा पी नहीं रहा हूँ, समझ गए ना? आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग समथिंग, आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ मैं ग्रो करता चला जा रहा हूँ, तो उसमें मज़ा आता है। ये मेंटेलिटी होती है सक्सेसफुल लोगों की। तो आपने ये किया एक हॉस्टल से, फिर आप दूसरे हॉस्टल में आप गए, तीसरे में गए, चौथे में गए, मान लो यहाँ से आप आने वाले 1.5 साल में 2 साल में आपने वो पूरा का पूरा कैंपस कैप्चर किया, और आप बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हो। कौन करेगा अगर आप नहीं करोगे कैप्चर? तो लगाओ दिमाग, जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में हैं उनकी प्रॉब्लम को आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे, या कोई ऐसा आदमी जिसकी एज है 50 साल और यहाँ तक पेट निकला हुआ है और एक दुकान पर बैठा हुआ है? हाँ जी बोलो, क्या चाहिए? सोचो, ऐसे कोई सोचता नहीं है, इतना आसान है, लेकिन लोग ऐसे सोचते नहीं है। अब यहाँ पे भी नेगेटिव सोचेंगे, नहीं ये कैसे होगा, अबे तू नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा? एक बंदा जिसने एक प्रॉब्लम को फेस करा है, अगर वो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता तो कोई नहीं निकाल सकता। ऐसा अपने अंदर से आना चाहिए, अगर कोई निकाल सकता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो सिर्फ मैं।
मैं निकालूंगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। धीरे धीरे आप अपनी टीम बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे आपने पूरे के पूरे कैंपस को कैप्चर किया, उसके बाद में आपने किसी फंड को अप्रोच किया। प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनको जाकर के बोला देखो ये है मेरा बिजनेस मॉडल और यहां पर मैं इसको कर चुका हूं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग के भाई विच इज एन इमेजिनेशन कि मैं ये करूंगा तो वो होगा। ऐसे तो हजारों लोग उनके पास में रोज आते हैं सुबह से रात तक। आप कह रहे हो मैंने ये किया है, देखो एक बिजनेस मॉडल खड़ा किया है। तो यू हैव शोन योर विजन, यू हैव शोन योर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, नाउ यू कैन इजीली गेट फंडिंग एंड इट बिकेम अ $10 million बिजनेस। इसको क्या कहेंगे, सक्सेस कहेंगे फेलियर कहेंगे? सक्सेस है। ये कैसे हो पा रहा है, क्या फर्क है इस बंदे में और उस बंदे में जो कहीं पर ₹10,000 की वो नौकरी कर रहा है जो उसको करनी पसंद नहीं है? दोनों एक ही कॉलेज से निकले हैं, दोनों के एक जैसे नंबर आए हैं, दोनों को नौकरी नहीं मिली है। एक बंदा बन गया मिलेनियर और एक बंदा है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक बंदा है जो बहुत खुश है अपनी लाइफ से, उसको मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, और एक है जो दुखी है। थिंकिंग में फर्क पकड़ में आ रहा है ना? ऐसे ही जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी थिंकिंग बड़ी क्लियर होती है कि मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम दे दो। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम मत देना, हे भगवान ये मत करना बस आप, भगवान जाकर के चढ़ावा चढ़ा रहे हैं मंदिरों में। समझ गए ना कि किसकी निशानी है? अनसक्सेसफुल लोगों की निशानी है ये। अनसक्सेसफुल इन द सेंस जो डरे हुए हैं। जहां पर डर है वहां पर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। जो ये सोच सोच करके सोचेगा कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए, अब वो क्या सोचेगा? वो एक लिमिटेड दायरे में सोचेगा, वो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। और आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे करके ये दुनिया आपसे कुछ भी करवा लेगी, बांधने में एक सेकंड लगेगा। ऐसे ही लोग बनते हैं, इन्हीं को अनसक्सेसफुल कहते हैं। वो बन जाते हैं, उन्हें क्या चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से अपने अंदर झांक करके देखना, आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम से डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं मैं इस कॉलेज से निकल तो रहा हूं पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसकी सोच है? सक्सेसफुल लोग। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कहेंगे, जॉब मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा अपनी लाइफ में। ओपन माइंडेड अप्रोच आज के टाइम में अगर लेके चलेंगे तो फिर वहां पे स्टेबिलिटी नाम का तो वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया, फिर स्टेबिलिटी तो रहा नहीं। जो लोग स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं क्या उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है? तो इस इल्यूजन से बाहर क्यों नहीं आते हो? इस दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है। हम सोचते हैं कि ये मैं करूंगा तो ये एक स्टेबल करियर है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आपको नहीं पता वहां पर आप जिस ऑफिस में जाने वाले हो वहां पर किस तरह के लोग होंगे। हर तरह के लोग हर जगह पर है। इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि कोई परफेक्ट कंपनी है, इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि कोई परफेक्ट रिलेशनशिप है, तो स्टेबिलिटी कहीं नहीं है। वही तो, वहीं से तो मैंने सेशन को शुरू किया है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन योर लाइफ। सर्टेनिटी नाम की चीज गायब हो चुकी है इस दुनिया से। कुछ नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, आपकी हेल्थ के लेवल पे क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, फाइनेंशियल लेवल पे क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, बिकॉज चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। एक रिफॉर्म चेंज होना होता है, पूरा का पूरा सेक्टर डाउन आ जाता है। आज से कुछ साल पहले रियल एस्टेट सेक्टर कहां था, तो सोचो अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में थे तो आप कितने सेफ एंड सिक्योर थे। आज आपसे ज्यादा अनसिक्योर और कोई नहीं है, रियल एस्टेट की पूरी धज्जियां उड़ी पड़ी है। तो कहां है सिक्योरिटी, कहां है स्टेबिलिटी? ये सिर्फ हमारी इल्यूजन्स है। सिर्फ वो स्टेबल है इस पूरी दुनिया में जो इस बदलती हुई दुनिया को, यानी कि चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जा रहा है। उस चेंज होने को क्रिएटिविटी कहते हैं। सिचुएशन जब बदलती है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना और बड़ी तेजी से बदल लेना ही क्रिएटिव थिंकिंग है।